हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई होप सो कि आपको पहले वाली वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे समझने जैसा कुछ था नहीं, सिर्फ याद करने जैसा था कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थशास्त्र के जनक कौन है और अर्थशास्त्र शब्द जो है वो आया कहाँ से है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं उनकी बुक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैंने 10 times लिखने के लिए कहा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। यहाँ नहीं आएगा तो सीपीटी के एग्जाम में आएगा, आरपीएससी के एग्जाम में आएगा, बीएसटीसी के एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन पुट किए ही जाते हैं इन 3 questions में से। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि उसके आगे क्या टॉपिक है जो कि आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्थिक क्रिया के बाद में अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के बुक जो है उसका फर्स्ट टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब आप सबको पता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, पता है नहीं है, हम कौन सी अर्थव्यवस्था में रहते हैं या हमारी अर्थव्यवस्था का नाम क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि हम जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्पादन हो, विनिमय हो, वितरण हो, क्रय विक्रय हो, निवेश करना हो, उपभोग करना हो, वो सारी आर्थिक क्रियाएं हम कौन सी अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार करते हैं बेटे, तो हम कौन सी अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार करते हैं, हम हमारी भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार करते हैं। लेकिन हमको अर्थशास्त्र की डेफिनेशन आती है, हमको आर्थिक क्रियाओं की डेफिनेशन आती है, लेकिन हमको अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन नहीं आती है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्थागत एवं संवैधानिक संरचना है। अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी संस्थागत एवं संवैधानिक संरचना होती है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। ये तो हमारी बुकिश लैंग्वेज है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम सबको पता है कि भारत देश एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम यहाँ उन्हीं शब्दों को, इसे उस अर्थव्यवस्था शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्द को यूज करते हैं। वो होता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्थागत एवं संवैधानिक संरचना है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है या संचालन किया जाता है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है या संचालन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन सी, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डेफिनेशन बोली थी, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की करता है या की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब मानवीय आवश्यकताएं क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे आपके फादर किसी कहीं जॉब करते हैं, किसी के शॉप है, किसी के कोई फैक्ट्री है, कोई कारपेंटर है, कोई पॉटर है, कोई वाशरमैन है, कोई फिशरमैन है, कोई फार्मर है, कोई ट्रेडर है, और जैसे मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, उस तरह से सब जने क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम करना ही क्या है, आर्थिक क्रिया है। और वो आर्थिक क्रिया जिस संरचना के अंतर्गत, जिस संस्थागत स्ट्रक्चर,
संस्थागत संरचना के अंतर्गत जिसके नियमों के अनुसार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था आप आपकी तरफ देख रहे हो, चीन में चाइना की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, सबके अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था है। और वहाँ के नागरिक क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो आर्थिक क्रियाएँ होती है और सारी आर्थिक क्रियाएँ जिस संरचना के अंतर्गत संचालित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। आई होप सो कि आपको अर्थशास्त्र, आर्थिक क्रियाएं और अर्थव्यवस्था तीनों में डिफरेंस पता चल गया। फिर से देख लो, अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो भी क्रियाएं की जाती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फिर आता है अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था, इसे अर्थ प्रणाली भी कहते हैं, इसे एक सिस्टम भी कहते हैं। हम कहते हैं पूरा सिस्टम, हमारा ये पूरा क्या है? सिस्टम है। और उस सिस्टम में क्या हो रहा है उसकी डिफाइन हम कर रहे हैं। एक ऐसी संस्थागत संवैधानिक संरचना जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, संचालन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश और वितरण, बहुत सारी होती है। लेकिन हमने उन सारी आर्थिक क्रियाओं को पांच भागों में बांट दिया है। सभी तरह का कुछ ना कुछ बनाना, बनाने का बिजनेस करना क्या होगा? उत्पादन होगा। वो किसी भी चीज को खरीद कर क्रय करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, यूज करना क्या होगा? उपभोग होगा। विनिमय, क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना मुद्रा या मुद्रा तुल्य वस्तुओं से। निवेश का मतलब क्या है? पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करना जिससे भविष्य में हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है उसे हम निवेश कहते हैं। वितरण क्या है? तो हमारे पास जितने भी साधन है उत्पादन के उनको उनके प्रतिफल के आधार पर बांटना क्या कहना, जिससे हमको क्या हो? राष्ट्रीय आय का नॉलेज मिले, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। यानी कि साधनों का उनकी आय के प्रतिफल के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, पर मुझे पता है बच्चे 11th का याद नहीं रखते, और इस बार तो एग्जाम भी नहीं हुई तो बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। तो कोई बात नहीं, हमने रिवाइज करवा दिया। अब आपके यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब आएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या आएगा? अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो आपकी बुक थी इंडियन इकोनॉमी, उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या कि आपने पढ़ लिया है लेकिन हमें याद नहीं रहता, इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है हम अभी डिस्कस करते हैं। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था? तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट बाजारीकृत अर्थव्यवस्था, दूसरी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और तीसरी कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। बाजारीकृत अर्थव्यवस्था, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व है। समस्त आर्थिक क्रियाओं पर और उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व है? निजी स्वामित्व है। बाजारीकृत अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जितने भी हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जितनी भी परचेज, सेल, उत्पादन वगैरह होता है, वो किसके पर होता है? निजी स्वामित्व का मतलब होता है सिर्फ बाजार क्या करता है? उनकी कीमतों का निर्धारण करता है और उन्हें क्या करता है? नियमित करता है, संचालित कौन करता है? संचालित बाजार करता है। और निजी स्वामित्व का मतलब होता है इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता,
इसमें सारा का सारा कौन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर कंट्रोल रखते हैं, उत्पत्ति के साधनों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। फिर केंद्रीयकृत योजनाबद्ध, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है या केंद्रीयकरण द्वारा किया जाता है। इसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन या उसको नियंत्रित कौन करता है, केंद्र करता है या फिर कौन करता है, सरकार करती है, केंद्र करता है या सरकार करता है। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, संयोग, दोनों का क्या है, मिश्रण है। इसके केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के भी अच्छे फीचर्स ले लेते हैं, विशेषताएं ले लेते हैं, गुण ले लेते हैं, और बाजारीकृत अर्थव्यवस्था के भी क्या है, गुण ले लेते हैं। और दोनों को जब मिला दिया जाता है, दोनों के अनुसार क्या किया जाता है, हम आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अभी इनके नाम थोड़े से आपको टिपिकल लग रहे होंगे, बाजारीकृत, केंद्रीयकृत और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाजारीकृत अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था को समाजवादी, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। इसे मार्केट इकोनॉमी से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। थैंक यू।